सॉरी, डॉक्टर के नाम पे मात्र एक प्राइवेट एनएम है कोई, और मैं खुद हफ्ते में 2 से 3 बार विजिट कर चुका हूँ। डिप्टी सीएम साहब, सीएमओ साहब सुनिएगा, मैं खुद 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ, वो कभी उपस्थित नहीं होती हैं। मैंने उनके आला अधिकारियों से बात की, सीएमओ साहब तो फोन नहीं उठाते हैं, हम लोग का फोन ऐसे भी नहीं उठाएंगे, बड़े लोग हैं। हाँ, तो मैं फोन किया तो उन्होंने बड़ा टाल मटोल कर जवाब दिया। मैंने बोला मेरा कंप्लेंट आप एडमिट करिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने स्टॉक चेक किया, फाइल में कुछ और स्टॉक बता रहा है, वहाँ अवेलेबल कुछ और है, ज्यादातर दवाइयाँ एक्सपायर हैं, पूर्व में ऐसा नहीं होता था। उससे पहले हमारे माननीय विधायक जी थे, हम लोग उनको कंप्लेन करते थे, उसको एक्शन लेते थे, अभी तो कोई हम लोग का सुनने वाला भी नहीं है। तो इसको आप नोट करें, और मैंने पूर्व में भी सीएमओ साहब को इसको अवगत कराया है लिखित में, कोई जवाब नहीं आया। आख्या के नाम पे आप लोग एक टाल मटोल सवाल जवाब भेज देते हैं, उससे होना कुछ नहीं है। या तो उसको करवाइए, या तो वहां मैं जाकर भगदड़ मचा दूं, फिर आप ही मेरे ऊपर मुकदमा करवाइएगा कि मेरे अधिकारी के साथ बदतमीजी हो गया। तो इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, और इसका मेरे को जवाब चाहिए। और जो भी आपका अधिकारी उस क्षेत्र में जांच करने जाता है, उसको सख्ती से बोल दीजिएगा मेरे को इन्फॉर्म जरूर करेगा। मेरा शुभ नाम अपसारा वर्मा, मैं वहां का जिला पंचायत हूँ, आप नंबर मिल जाएगा जहां भी ढूंढिएगा। मैंने उनसे ही बात करी थी, अभी आप यहाँ से मेरे साथ चलिए, वो अनुपस्थित होगी। मैं इधर कोई नहीं बैठता है सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। नोट कर लीजिए, नोट करके इसको। सिर्फ आपके अस्पताल पे फोड़ा, फुंसी, खुजली, यही सब का दवा है, तो आप लोग इंतजार करते हैं क्या कि ये सब बीमारी हो तभी देंगे? बाकी कोई बीमारी का दवा आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है? और पीडब्ल्यूडी के भी जो भी अधिकारी आए, एक्सीएन साहब तो यार रहते ही नहीं है नेताजी, वो जौनेपुर रहते हैं अपने घर ही पे। पीडब्ल्यूडी के जो हम लोग की तरफ एक्सीएन साहब है, कई बार मैं गया, लिखित में ले जाके दिया उनको कंप्लेन, रिसीव कराया, मेरे पास उसकी कॉपी है, आज तक उस पर ये लोग जवाब नहीं दिया। और ना तो इनके बड़े बाबू बोलते हैं कि पैसा कहाँ है, ये पूर्व में भी मैंने ये बात सदन में कहा है। 12 ग्राम सभा टीबी रोड से हरकरणपुर तक जो सड़क जाती है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सा है, और 12 इंटर कॉलेज है, जिसमें 1400 बच्चे रोज जाते हैं, और वहां सड़क के नामो निशान तक नहीं। पिछले 5-6 साल से बहुत बुरी स्थिति में है। मैं 1.5 साल से सदन में बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ।